हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है गज़ल और इसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। तो ये हमें यहाँ बताते हैं कि समाज में कितने प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया है या फिर व्यंग्य किया है, और हमें तरह तरह के उदाहरण दे के या फिर तरह तरह की बातें बताई हैं जो कि आजकल समाज में होती हैं, और उन लोगों के बारे में भी बताया हैं जो लोग इन सभी बुराइयों का या फिर उनके सामने अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उसका विरोध नहीं करते हैं। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कैसे इसे बताते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों यहाँ बताते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यानी कि ये दो लाइन की जो छोटी सी गज़ल, इसमें हमसे ये कहते हैं कि जो यहाँ पे नेता लोग, राजनेता जो होते हैं उनके ऊपर व्यंग किया गया है। पहले इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसका सांकेतिक अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग, तो जो नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको ये देंगे ये देंगे, या फिर कई सारे वायदे करते हैं, कई सारे अपने लिस्ट निकालते हैं कि हम लोग आपके लिए ये कार्य करेंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद, यानी कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद शहर में भी उतनी फैसिलिटी नहीं आ पाती। अब बात आती है कि यहाँ पे शहर को क्यों लिया गया है, क्योंकि जो शहर होता है उसे काफ़ी विकसित माना जाता है, और ये माना जाता है कि कोई भी कार्य अगर होता है तो पहले शहर में आता है। जैसे कि मैं आप लोग एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर रोड अच्छी बनेगी सॉरी, तो पहले हाईवे कहाँ बना, पहले हाईवे गांव में बना या पहले हाईवे शहर में बना। तो हाईवे पहले शहर में बना, बाद में गांव में अब बन रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो पहले शहर में आती हैं तब गांव में आती हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कहाँ चिरागा, चिरागा मतलब आप लोग लाइट से ले सकते हैं, कि कहाँ अब इलेक्ट्रिसिटी शहर में भी नहीं आती है उतने अच्छे से। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल अब तो इलेक्ट्रिसिटी आने लगी है शहर में, क्योंकि अब तो बिल भाई उन लोगों का बनता है। तो खैर वो यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं कि शहर में भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं आती हैं जितनी, मतलब कि शहर में भी फैसिलिटीज़ नहीं आ पाती हैं तो गांव में कहाँ से आएंगी। तो बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पे इन्होंने इसे लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। यानी कि अब शहर में भी सुविधाएँ नहीं है, जबकि वे लोग यानी कि नेता लोग कहते थे कि हम लोग घर घर सभी फैसिलिटीज़ पहुँचाएँगे। उसके बाद वो कहते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो भी यहाँ पे यानी जो कवि हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे देखिए एक व्यंग किया गया है कि यहाँ पर पेड़ के छाए में भी धूप लगती है। यानी कि अगर हम जनरल बात करें तो पेड़ के छाए में हमें कभी भी धूप नहीं लग सकती, लेकिन ये जो समाज ये जो संसार है, यानी कि यहाँ पर जो लोग राजनेता लोग होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम आपको, यानी कि जो हमारे रूलर होते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बने होते हैं, या फिर जो हमारी हमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके साए में भी धूप लगती है, उनके अंदर हम हैं फिर भी हमें कमियां महसूस होती हैं, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। इसीलिए यहाँ पे हमसे कवि कह रहे हैं कि चलिए हम इन सभी चीज़ों को यहाँ से छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो यहाँ पे दरख्त मतलब पेड़ होता है, तो जो दरख्तों के साया में से इसलिए जाने के लिए इसलिए धूप लगती है, क्यों, क्योंकि जो राजनेता लोग होते हैं वो ही हमारे रूलर होते हैं, यानी कि हमारे ऊपर रूल करते हैं, और उनके ही साए में हमें धूप लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे व्यंग किया गया है कि यहाँ पे पेड़ों के छाँव में भी धूप लगती है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगी, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब वे कहते हैं कि अगर संसार में अब कई प्रकार के लोग होते हैं ना, संसार में ये तो है नहीं कि सभी लोग अच्छा वाले ही होंगे, या फिर सभी लोग बुरा ही करेंगे, या फिर सभी लोग अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अगर कमीज ना हो तो वो अपने पेट को
पैरों से ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, वे लोग अपने जीवन के लिए कितने अयोग्य हैं, मतलब कि वे लोग अपने जीवन में कितने कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब इसका सांकेतिक कर देखिए, मतलब कि यहाँ पे ऐसे लोगों की तरफ इशारा करा गया है जो लोग सामाजिक बुराइयों का विरोध नहीं करते हैं, जैसे कि वे लोग जानते हैं कि ये चीज़ गलत है फिर भी उसके विरोध नहीं करते हैं, उसका विपक्ष नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, आगे की 2-3 गलजल में हमें पता चलेगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। तो वो कहते हैं कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, तो ये लोग अपना सारा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, क्या ये लोग अपना सारा जीवन इसी तरह कठिनाइयों में या फिर दुख भरी परिस्थितियों में ही व्यतीत करेंगे कि जो राजनेता कल को कहते थे कि हम आपको ये देंगे और हम उत्साहित होकर भावुक होकर उन्हें वोट दे दिए और वो जैसे ही अपनी गद्दी पा गए वैसे ही मगन हो गए, मतलब कि वैसे ही हमारे तरफ देखने भी नहीं आए। तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि जो लोग सामाजिक बुराइयों का विरोध नहीं करते या फिर समाज में जितने भी प्रकार की मतलब कि विरोध होता है उसका विरोध नहीं करते हैं, समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयाँ होती हैं उसकी बात कहते हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे कहते हैं कि अब यहाँ से ये बताना चाहते हैं इस 2 लाइन की वजह से कि इस संसार में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, तो इस संसार में ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे लोग हैं जो विरोध नहीं करते हैं या फिर सब लोग बुरा ही करते हैं। इस संसार में इंसानियत अभी भी है, इंसानियत अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए हमने खुदा को तो देखा तो है नहीं, यानी कि हमने ईश्वर को तो देखा तो है नहीं, फिर भी हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर हमें पाप देंगे या फिर हमें छल कपट करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो एक डर है वो आदमी के अंदर या फिर मनुष्य के अंदर पैदा होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें ईश्वर या फिर अल्लाह या फिर गॉड हमें क्या करेंगे, वहाँ पर पाप देंगे या फिर वो गुनाह होता, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को भी डर है ईश्वर का, यानी कि कुछ लोगों को अभी पाप करने से डर लगता है, ये नहीं है कि सभी लोग इस दुनिया में पापी ही हैं। वे कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में अशर के लिए। वे कहते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, जो हमने तीसरे पैराग्राफ में देखा था कि वैसे लोग जो सामाजिक बुराइयों का विरोध नहीं करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम अकेले क्या करेंगे, हमारे विरोध करने से कुछ होगा नहीं, यानी कि वे ये कहना चाहते हैं कि पत्थर जो है वो कभी पिघल नहीं सकता। लेकिन जो यहाँ पे लेखक हैं, यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं, सॉरी जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी भी दुनिया में लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब उनके साथ कोई आए, कब कोई उनके पीछे खड़ा हो और वे आंदोलन करें और गलत चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसे नष्ट करें। तो ऐसे लोगों का इंतज़ार है कवि को यहाँ पे, और कहते हैं कि लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि विरोध करने से हमारे कुछ नहीं होगा, पत्थर कभी भी पिघल नहीं सकता। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा निजाम है शील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पे हमें ये बेसिकली बताया गया है कि जो बहुत से राजनेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ़ जो बोलता है उसकी उसे या तो इनकाउंटर करवा देते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार से फंसवा देते हैं या फिर उन्हें मतलब कि आवाज़ उनकी दबा देते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यानी कि जो शायर है जो ये सब अभी तेरे खिलाफ बोल रहा है तो उसकी जुबान सिल दे। जुबान सिलने का ये मतलब नहीं है कि सचमुच में जुबान सिल दे, वे इसका सांकेतिक कर देना चाहते हैं कि जो लोग विरोध करते हैं तुम्हारा, राजनेता लोगों को, तो जो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं तुम उनकी आवाज़ दबा दो, ये एहतियात ज़रूरी है इस बार के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं
कि अगर तुम इन लोगों की आवाज़ नहीं दबाओगे तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आज एक अकेला उठा रहा है, कल 100 लोग उठाएंगे। अगर आज ही तुम इसे मार दिए तो कल कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। तो यही यहाँ पे शायर कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं हमसे कवि कि तेरा निज़ाम है शिल्द जुबान शायर की, यानी कि जो लोग आपके विरोध करते हैं उसकी आप लोग आवाज़ को दबा दीजिए। इसके बाद वे कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा लाइन है, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। वे कहते हैं कि अगर हम जिए तो अपनी स्वाधीनता के लिए और तो दूसरों की खुशियों के लिए, यानी कि भी यहाँ पे हमसे यही कहना चाहते हैं कि यदि हमें किसी की खुशियों के लिए या फिर अगर किसी की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम लोग उसमें संकोच ना करें, हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। यानी कि वे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की, अगर हम ओवरऑल देखें तो भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों का विरोध करना चाहिए। और जो राजनेता लोग होते हैं उनकी यहाँ पे जो वो लोग अपने वादे करते हैं और बाद में उस वादे का निभाते नहीं हैं और उसे भूल जाते हैं, उसे यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे साथ में ये भी दिखाते हैं कि यदि हमें किसी के लिए प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम संकोच ना करें। इसीलिए तो वो कहते हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यानी कि अगर वे भले से अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने ही जीवन को अच्छा करने के लिए जी रहे हैं, लेकिन अगर समय आए किसी दूसरों की खुशियों के प्राण खुशियों के बारे में तो वे अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें, भले ही क्यों ना वे अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। तो बस आज के स्टूडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।